गाइस लेह से जब श्रीनगर जाने का रास्ता है NH1 वहाँ पर नीमू विलेज है, तो नीमू विलेज जाने के रास्ते में आपको ये संगम पॉइंट दिखता है विच इज़ दी संगम पॉइंट ऑफ इंडस रिवर एंड जंस्कार। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। एज इट इज़ विंटर इट्स कम्प्लीटली फ्रोजन, सो देर आर नो एक्टिविटीज़ बट द व्यू पॉइंट। दिस इज़ द मैग्नेटिक हिल पॉइंट। यहाँ पर ग्रेविटी एकदम ही रिवर्स एक्शन दिखाता है। यहाँ पर आप अपना बाइक पार्क कर सकते हो रोड पर जहाँ पर पेंटेड है, एंड यू विल सी द वंडर ऑफ दिस मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल पे गाड़ी अपने आप ही मूव हो रही है, द इंजन हैज़ बीन स्टॉप्ड बट स्टिल गाड़ी अपने आप ही मूव होते जा रही है। तो आपको हेमिस मॉनेस्ट्री आने के लिए थ्रू मनाली, मनाली से जब आप ले आते हो तो ऑन दी वे एक कारो विलेज आता है, उस विलेज से अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स पे आपको हेमिस मॉनेस्ट्री मिलता है। एंड फ्रॉम ले सिटी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 किलोमीटर्स अवे। हेमिस मॉनेस्ट्री जो है इट इज़ द रिचेस्ट एंड द बिगेस्ट मॉनेस्ट्री इन ले लद्दाख रीजन। और ये जो मैं अभी घुमा रहा हूँ इसे माने कहते हैं, जिस पर कि मंत्र लिखा हुआ रहता है। और आज यहाँ पर बहुत ही हलचल है क्योंकि यहाँ पर बड़े लामा जी आए हुए हैं और पूजा पाठ चल रहा है। सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर लेह लद्दाख हैज बीन गैदर्ड इन हेमिस मॉनेस्ट्री टुडे। जब हेमिस मॉनेस्ट्री जाओगे तो वॉल्स पे आपको मंत्र लिखे हुए दिखेंगे जिसको कि प्रेयर वॉल बोला जाता है। जिस तरह माने पे प्रेयर लिखा रहता है, माने जो कि प्रेयर व्हील है, उसी तरह ये प्रेयर वॉल है जहाँ पर के मंत्र लिखे हुए रहते हैं। अभी हम लोग थिक्से मॉनेस्ट्री जाने वाले हैं। सो दिस इज़ थिक्से मॉनेस्ट्री एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20-21 किलोमीटर फ्रॉम ले सिटी। और ये जब मनाली से आप बाइक राइड करते हो ले लद्दाख के लिए तो ये ऑन द वे आता है। सो डू मेक श्योर दैट यू विजिट दिस प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री है। Got the permission from the Thiksey Monastery to fly the drone, so let's have some drone shots. जिसके लिए मैंने अभी 1500 रुपए पे किए हैं। एंट्री पॉइंट ऑफ हॉल ऑफ फेम जहां पर हमारे वीर जवान के स्मारक है। लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी,
The best thing is that today is 15th January and it is Indian Army Day, and today it is 20 years of Kargil War as well. So 20 years of Kargil War or as Indian Army Day, this din hum log yahan par aaye hain. So that's a special moment for us. These frames have all the information about the brave movements that Indian Army has been in. जब आप एंटर करेंगे हॉल ऑफ फेम में तो आपको ऐसे दो हॉल्स हैं, दो गैलरी है जहाँ पर कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है अलाउड. उसके अलावा आपको हिस्ट्री ऑफ लद्दाख में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ पर लद्दाख के बारे में उनके माउंटेन रेंजेस, ज्योग्राफिकल एरिया, वो सब के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है. फ्लोरा एंड फौना के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि एप्रिकॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर ग्रो होता है, और स्नो लेपर्ड. देर आर मैनिक्यूइंस ऑफ लद्दाखी अटायर्स, लद्दाख में पहने जा उनका पहनावा ओढ़ावा यहाँ पर दिखाया गया है. 1947-48 इंडो पाक वॉर का और 1962 का जो चाइना इंडिया का वॉर था, सीनो इंडियन वॉर जिसे कहा जाता है, 1962-1965 फिर इंडो पाकिस्तान वॉर का, 1971 का फिर इंडिया पाकिस्तान का वॉर का, वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है. दीज आर दी पाकिस्तानी एंड चाइनीज वेपन्स विच वेर कैप्चर ड्यूरिंग दी वॉर. Rocket launcher, rifle, everything is here which were captured. A dummy structure that you can see. This is the complete mountain range and the passes of Jammu and Kashmir and Leh Ladakh. Hall of Fame में हम लोगों को इंडिया के सभी battles के बारे में information मिलेगा, जो कि Battle of Tiger Hill, Kargil War, LOC, ये सभी war के complete informations हैं यहाँ पर. This particular one is about the Battle of Kargil. Ladakh scouts, they have a saying called as Kiki Soso Largelo, which means the victory to God. This is the prayer that they follow. This is the war memorial, जो कि Hall of Fame से अंदर से आपको निकलने के बाद दिखेगा. बहुत ही ज़्यादा proud feel होने वाली प्लेस है ये. यहाँ पर आने के बाद जो गर्व महसूस होता है भारतीय होने का, वो बात मतलब बोला नहीं जा सकता है. वो चीज़ जो है महसूस करने वाली, वो आप यहाँ पर खुद आएंगे तो खुद महसूस करेंगे. This is the adventure park just beside the Hall of Fame. Now we are standing at Gurudwara Patthar Sahib. ये जो गुरुद्वारा है, इसके पीछे बहुत ही बड़ी mythological story है एक, जो कि गुरु नानक साहेब के बारे में है. This Gurudwara is completely managed by Indian Army और यह Leh City से approximately 22 से 25 किलोमीटर के distance पे है. गुरु नानक साहेब वहाँ पर बैठकर साधना कर रहे थे, जब ऊपर से राक्षस ने पत्थर फेंका था, और वही पत्थर के बेसिस पे इस गुरुद्वारे का नाम पत्थर साहेब गुरुद्वारा रखा गया है. पर पैलेस के ऊपर से पूरा ले सिटी का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है. हे गाइस, व्हेन यू आर इन द ले मार्केट, डू ट्राई द पिज्जा ओवर हियर इन सोरिसो पिज्जा. इट्स वेरी टेस्टी, एज वेल एज देयर इज अ वाजवा रेस्टोरेंट वेयर नॉनवेज फूड बहुत ही अच्छा है. तो आप लोग यहां पर खाने का ट्राई कर सकते हैं, और सोरिसो पिज्जा में एक्स्ट्रा चीज जरूर लेना. दैट्स फैंटास्टिक, इट टेस्ट यम्मी.